एसएसपी मुनीदार ने थाना मलपुरा पहुंचकर पीड़ित मजदूरों की लोगों की समस्याएं सुनी, जहां डीएम एसएसपी भी दोनों मौजूद रहे। थाना अध्यक्ष को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम साहब और एसएसपी थाना परिसर का भी निरीक्षण किया। किस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए? सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को थाना समाधान दिवस होता है, जहाँ जनपद के समस्त थाने पुलिस की टीम, पुलिस सेवा की टीम रखी है, और इस बीच जो शिकायतें हमारे पास आती हैं उसको हम लोग थाना समाधान दिवस में समर्पित करते हैं। पिछली कितनी शिकायतें हैं, उसमें क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, कैसे होना चाहिए, इसको और अच्छा हम क्या बेहतर बना सकते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट के नाम पे हम इसके पर रखिए और अच्छा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए एक बार डिस्कशन हुआ है, इसको देखा गया। शिकायत वैसे आज सिर्फ एक ही आई है, लेकिन इतनी पुरानी शिकायतें इसको देखा गया। कुछ शिकायतें बहुत अच्छा काम हुआ है कि दोनों बीट और लेखपाल ने अपने संयुक्त रिपोर्ट लगाई है। कुछ ऐसे केसेज हैं जो लगता है लीगल प्रकृति के हैं, उसमें भी कहा गया कि आप एक बार कोशिश करके दोनों पक्ष को बुला करके जो सच हो, जो जायज़ हो, एक बार बताइए साहब ये जायज़ है, कितना आप लोग कर लें, या फिर भी दोनों पक्ष नहीं मानते तो लीगल रिकॉर्स अपना कर लें, ताकि थोड़ा सा लिटिगेशन कम हो और लोग आसानी से सुखी अपने घर में रह सकें, इसका प्रयास करें। लोकल पुलिसिंग की वर्किंग और उनकी कार्यशैली को भी जाते हैं फर्क आ गया। आज हम और डीएम साहब समाधान दिवस में आए थे थाना मलपुरा में, वहाँ पर आने के बाद सभी पुराना एप्लीकेशन और पुराना रजिस्टर, समाधान दिवस रजिस्टर और धनशिका रजिस्टर सबने चेक किया, जो भी जमीन संबंधी विवाद है उसका सबका हमने समीक्षा किया। समीक्षा करने से कुछ उन्होंने अच्छी तरीके से डिस्पोजल किया, कुछ पेंडिंग पड़ा है, मैंने SHO को निर्देश दिया जो कितना भी जमीन संबंधी विवाद है आज का जो समाधान दिवस का जो अच्छी तरीके से लोग इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरीके यूज़ करेंगे, जो आज सभी लेखपाल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सभी अधिकारी लोग आ रहे हैं उनसे बात करेंगे, तो एक एक टीम अपना पुलिस का बीट कांस्टेबल और हल्का इंचार्ज दोनों मिलकर जॉइंटली जाएंगे, जॉइंटली जाके वहाँ पर डिस्पोजल करके आएंगे तो उसका अच्छी मैसेज भी चलता है, इसके मैंने उनके निर्देश दिए हैं। और इसी तरीके हम लोग जो हम और हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग जो आप जन शिकायत प्रार्थना पत्र अपना ऑफिस में रिसीव करते हैं उसके भी हम लोग थाना दिवस में डिस्पोज करने के लिए देते हैं, उसको भी हमने डिस्पोज करने के लिए निर्देश दिए हैं। लोग अच्छी अभी डिस्पोजल है एकदम पे थाना का और उसके एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए SHO को निर्देश दिया और CO का सुपरविजन करने के लिए निर्देश दिए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।